चलिए। हाँ जी जी बिल्कुल, आफ्टर यू। ओके। अरे इशरत, चाय तो लेकर आ, जरा आ रही है। हम जब भी अच्छा मौसम होता है ना, मैं तो उसको कह देती हूँ पकौड़े बना ले, वो पकौड़े बना लेती है। कौन है ये? नौकरानी है मेरी, बेचारी इधर उधर भीख मांग के फिर रही थी रोड पर, तो मुझे तरस आ गया, मैं फिर इसे घर ले आई। इसे भी छत मिल गई, मेरे भी छोटे छोटे काम कर देती है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत नेक हैं आप। असल में नेकी के कामों में ना मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छी नेचर है। चाय पीजिए ना। हाँ, क्यों नहीं। अच्छा वैसे मैं सोच रहा था कि शादी के बारे में क्या ख्याल है मेरा। अच्छा होता है जिंदगी में कोई साथी हो, कोई बात करने वाला हो, कोई पार्टनर हो, ये तो अच्छी बात है। आपके मेरे ख्याल कितने मिलते हैं। आपने क्यों नहीं शादी अभी तक? वो कहते हैं ना कि वो जोड़े आसमान पे बनते हैं, और फिर आप भी बहुत देर से मिली हैं। लेकिन आप तो मिल गए हैं। तो मिल गई? ऐसे थोड़ी, अभी तो मैं देखूंगी, जानूंगी, परखूंगी, फिर हाँ करूंगी। यही तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप देखें, परखें, फिर हाँ कर दें। लेकिन जब तक आप हाँ नहीं करेंगी, मैं आपको घराता रहूंगा खाना खाने। बहुत चटर रहा हूँ मैं खाना खाने के मामले में। सौ बिस्मिल्लाह, मुझे इतनी खुशी होगी आपके लिए कोफ्ते बनाने में। कोफ्ते? इतनी औरतों से मिला, लेकिन लगता है आपसे मिलने के बाद मेरी तलाश खत्म हो गई। लेकिन एक दरख्वास्त है कि आप पीछे ही नहीं हटेंगी, ऐसा ना हो कि आपका छोटा सा इनकार किसी की जान ले ले। नहीं नहीं, पता ना करें मरे आपके पशु। अरे नादरा, तुम ना, नादरा। आप कौन? तुमने तो मुझे कहा था कि मैं 10 नंबर जा रहा हूँ लालू खेत। बड़ी अच्छी मंडी लगी है, ये है तुम्हारी मंडी और ये है तुम्हारा कट्टा। ए जरा तमीज से बात करो, समझी? ए चुप कर, तुझसे नहीं बात कर रही हूँ पागल, शोर से बात कर रही हूँ मैं। तुम्हें शर्म नहीं आती है 6 बच्चों के बाप होते हुए यहाँ बैठ के ये हरकतें कर रहे हो? बुलाओ अपने भाइयों को। हाँ बुलाओ, बुलाओ भाइयों को, डरता नहीं भाइयों से मैं। और बकवास नहीं करना, बदतमीजी नहीं करना, वरना दे दूंगा तलाक, खड़े खड़े बता रहा हूँ।